शाहीन बाग प्रोटेस्ट का जब हम पूरा का पूरा कवरेज कर रहे थे, तब इस बात का शक बहुत बार जताया था हमने कि कहीं ये दिल्ली को दंगों की तरफ ना ले जाए। हुआ भी ऐसा ही। डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए थे, दिल्ली के अंदर दंगे हुए, बड़ी मात्रा में दंगे हुए, हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए। लेकिन सवाल है कि अब जांच क्या कहती है? अब जांच ये कहती है कि दिल्ली दंगों की बाकायदा प्लानिंग रची गई, और ये प्लानिंग और कहीं नहीं शाहीन बाग में रची गई, जामिया में रची गई, जहां से मीरान हैदर के पास से एक रजिस्टर मिला है जिसमें तमाम पैसे दर्ज है। शोएब भाई ने बिल्कुल माना कि आरएसएस के लोग वहां पे गिरफ्तार हुए हैं। मैं भी कहता हूं हिंदू गिरफ्तार हुए हैं, 200 से ज्यादा हिंदू गिरफ्तार हुए हैं, मुसलमान भी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन ऐसे हालात बने क्यों? इसका जवाब लेना चाहता हूं और सीधे चलता हूं संजय कुमार लेक्चरर है इग्नू के, मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि दिल्ली दंगे, शाहीन बाग के चलते जो उत्तेजक माहौल बना था, उसकी एक पूर्व नियोजित साजिश का नतीजा है? बताइए संजय कुमार जी। दीपक जी, सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार। दीपक जी, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि एनआरसी और सीएपीआर की पृष्ठभूमि में ये दिल्ली दंगे की जो पटकथा लिखी गई थी, क्योंकि हमने देखा कि एक विशेष समुदाय में कुछ लोगों ने ये भ्रम फैलाया कि एनआरसी और सीएए से जो भारत के एक विशेष समुदाय की नागरिकता चली जाए, जबकि ये पूर्णतः असत्य है, क्योंकि इससे किसी की नागरिकता जानी नहीं थी, बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो पीड़ित हिंदू है उनको सिटीजनशिप मिलनी थी। ये सब बात जल जाहिर है। ठीक है, इसका मतलब आप भी मानते हैं ये साजिश थी? आप मानते हैं बात है संजय कुमार जी, आप मानते हैं साजिश थी? दिल्ली पुलिस की जांच कह रही जी, जी दीपक जी बिल्कुल, क्योंकि अगर साजिश नहीं, हाँ, क्योंकि चार्जशीट में ऐसा है, ऐसा एविडेंस शो करते हैं, सर्कमस्टेंसेस जो एविडेंस है, प्रस्ती जने जो साक्ष्य है वो बोलते हैं, और पूरा जो हमारा लीगल जो सिस्टम है वो बोलता है। और जैसा कि सीधे शोएब जमाई से सवाल, शोएब जमाई, आपने माना कि दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, आपने माना कि 6 या 12 आरएसएस के लोग पकड़े गए, आपने उस पर तो बोल दिया, पर मीरान हैदर पैसे क्यों इकट्ठे कर रहे थे, जाकिर नाइक से मिलने की खालिद सैफी और बाकी गैंग को क्या जरूरत थी, ताहिर हुसैन ने छत के ऊपर असलाह क्यों लिया था, इन सब जवालों के भी जवाब दे दीजिए ना शोएब जमाई। इसके जवाब नहीं आते आपको, और मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूँ दिल्ली में जब दंगे हुए फरवरी में, उसकी पहली तस्वीर, ये शांति प्रिय माएं बहनें शेरनियां जो पत्थर और असले लेकर दौड़ रही थी अमित कुमार के ऊपर, क्यों रतन लाल को शहीद कर दिया गया, जवाब दीजिए मुझे आज। जी, मैं जवाब देता हूँ। दो सवाल पूछे आपने खालिद सैफी मीरान हैदर के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि भजन पढ़ रही थी वहाँ पे, भजन कीर्तन कर रही थी। अरे सवाल किससे पूछ रहे हैं आप? जेबा खान जी प्लीज, शोएब जमाई का मौका है, शोएब जमाई एक मिनट प्लीज कंक्लूड करिएगा, फिर शुभी और फिर संगीत रागी जी। जी देखिए दीपक चौरसिया जी, मीरान हैदर जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के युवा अध्यक्ष थे, और उनकी समाजवाद और लोहियावाद और ये सारी विचारधारा है, तो मैंने लगता कि वो कभी किसी दंगों में शामिल हो सकते हैं। दूसरी बात, खालिद सैफी की तस्वीर जो है कपिल मिश्रा के साथ बहुत वायरल हुई, कपिल मिश्रा खालिद सैफी से लगातार मिला करते, रजिस्टर मिला है उनके पास, नहीं नहीं ताहिर पैसे का लेखा जो, और एक तस्वीर और दिखाता हूँ जिसमें ताहिर हुसैन और कपिल मिश्रा जो है दोनों एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, ये भी तस्वीर वायरल हुई, इस पर भी जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। दूसरी बात, मैं आपको बताता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के मैं अल्पसंख्यक अध्यक्ष और पूरे बिहार वासियों के तरफ से, क्योंकि मेरी मातृभूमि बिहार है, उन सब की तरफ से ये मांग करता हूँ कि खालिद सैफी, डॉक्टर कफील और मीरान हैदर को रिहा किया जाए, वो सारे निर्दोष हैं और उनको फंसाया जा रहा है, ये मेरी स्पष्ट मांग है। शुभी खान, दूसरी बात कि शाहीन बाग आंदोलन की वजह से पूरे देश और बिहार तमाम ये मानते हैं कि उनको जो है उनका जो है नागरिकता जाने से बच गई, उनकी जमीनें जाने से बच गई,
और वो आंदोलन इस देश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों और सभी के सामाजिक न्याय के लिए था, ताकि सरकार उनसे उसके आंदोलन सवाल सिर्फ उठाए सिर्फ उसके लिए था, दंगे कराने के लिए था। मेरा आरोप है आप पर व्यक्तिगत तौर पर और पत्रकार के तौर पर। सुमिका जवाब दीजिए। और वंदे जी। जी दीपक जी, अभी एक बहन ने मेरी बोला कि हम सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो हमें गद्दार कह दिया जाता है, और साजिद रशीदी जी ने बोला मुसलमानों को विक्टिम कार्ड खेल के उन्होंने बोला कि मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। मैं इन दोनों बातों का जवाब स्पेसिफिकली देना चाहती हूँ, कुछ नाम गिनाती हूँ। देखिए, इस देश में दो तरह के मुसलमान है, एक भारतीय मुसलमान और एक अरबी और वहाबी और आतंकी मुसलमान। मीरान हैदर, खालिद सैफी, इशरत जहां, ताहिर हुसैन, अमानतुल्ला खान, उमर खालिद, जाकिर नायक, सफूरा जरगर, मौलाना शाद, क्या ये सब इत्तफाक है कि ये सब नाम एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं? क्या ये इत्तफाक है कि चाहे सीएए प्रोटेस्ट हो या राम मंदिर निर्माण का विरोध हो या जेएनयू में फीस के विरोध में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति तोड़ना हो या फिर शाहीन बाग में 4 महीने के बच्चे का कत्ल करना हो, संविधान की धज्जियां उड़ाना हो, कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35 ए के विरोध में बोलना हो, कोरोना फैलाना हो या दिल्ली टुकड़े गैंग के फेवर में बोलना हो, भारत विरोधी नारे लगाने हो, पाकिस्तान प्रो नारे लगाने हो, ये सारे इत्तफाक है कि ये सारे नाम इन सब चीजों में इन्वॉल्व है? इसमें सरकार कहां से आ गई? ये भारत विरोधी काम है जेबा जी, ये भारत विरोधी काम है रशीदी साहब। इसमें 5 सेकंड के लिए मुसलमान बन के नहीं, एक भारतीय बन के सोचिए। आपको इस प्रेजेंट गवर्नमेंट से दिक्कत इसलिए है कि वो इस सारी भारत विरोधी मानसिकताओं को उखाड़ उखाड़ के जड़ से देश से फेंक रही है, चाहे वो माओवादी हो, चाहे नक्सलवादी हो, चाहे इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हो, चाहे जिहादी हो, चाहे इंटरनेशनल पावर्स हो, वो किसी को नहीं बख्श रहे हैं। वो एक राष्ट्रवादी और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरह काम करते हैं। गरीब हो, अमीर हो, सबके लिए। लेकिन ठीक है देवा, सवाल का जवाब ले लेता हूँ, सवाल का जवाब ले लेता हूँ। 5 more seconds दीपक जी, 5 more seconds दीपक जी। ठीक है सुबीर, 5 more seconds। जेबा बीच में ना बोले फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा या कोई और आपके बीच में बोलूंगा, कोई लॉजिक नहीं है उसका। शुभी बोलिए, कंप्लीट करिए, 10 सेकंड आपको और। इनकी आवाज कम करिए प्लीज, मैं अहम बात बोलना चाह रही हूँ। दीपक जी, यहाँ पे टॉपिक्स चेंज होते रहेंगे, लेकिन ये अरबी वहाबी मुसलमान, इनको दिक्कत हिंदू नाम से है, मंदिर से है, भारतीय संस्कृति से है, भारतीय इतिहास से है और भारत से है। हम उसके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन मैं तब तक उम्मीद नहीं छोड़ूंगी जब तक इन आतंकी और वहाबी मुसलमानों के सामने भारतीय मुसलमान जब तक खड़ा है, तब तक इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। चाहे कितना विक्टिम कार्ड खेले, चाहे डरा के मुसलमानों को वरगलाए, चाहे बहका के मुसलमानों को वरगलाए, भारतीय मुसलमान इनके सामने आके खड़ा होके अपने देश को बचाता आया है और आगे भी बचाता रहेगा। ठीक है, 90% जेबा मेरा सीधा सवाल है, दिल्ली दंगे आपने प्लान किए, सबसे बड़ी वारदात, सबसे पहली वारदात, सवाल सुन लीजिए और शोएब जमाई नॉन स्टॉप मत बोलिए, कोई लॉजिक नहीं है उसका, आवाज नहीं जाती, आप भी जानते हैं। आपको पूरा वक्त दे रहा हूँ, आपकी बात का सम्मान कर रहा हूँ, ये गलत तरीका है ना? नहीं, ये गलत तरीका है। जेबा मेरे सवाल का जवाब दीजिए, चाहे दिल्ली दंगे हो या मुंबई बम ब्लास्ट हो या कोई बाकी चीज हो, मुझे बताइए, 90% मुसलमान ही देश विरोधी गतिविधियों में क्यों पकड़े जाते हैं, बताइए कारण, बताइए इसका। और ये दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया की बात कर रहा हूँ। दीपक जी पहले बोलने दीजिए, ठीक है? पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, दीपक जी, कहीं भी दंगे होते हैं मैं उसका सख्ती से विरोध करती हूँ, एकदम कड़े शब्दों में विरोध करती हूँ, और हमें नहीं पसंद है, हमें ऐसा भारत चाहिए, घड़ियाली आंसू मत बहाइए, के लिए खून दे दे जरूरत पड़े तो, ऐसा भारत तो नहीं चाहिए जिसमें एक दूसरे का खून लिया जाए, हमें प्यार मोहब्बत और गांधी के सपनों का भारत चाहिए दीपक जी। लेकिन आप अभी पूछ रहे हैं, दीपक जी मैं आपसे बस एक सवाल करना चाहती हूँ, आपने इतने मुद्दे इतने सारे ये बताए, लेकिन आपने मोहन नर्सिंग होम का नाम एक बार भी नहीं लिया, जहां से गोली चल रही थी, बंदूक चल रहे थे, ना ही उसके मालिक पर कोई केस होती है, FIR होती है, ऐसा क्यों दीपक जी? इस तरह की क्यों दोहरी नीति है?
सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए ना, एक बराबर होना चाहिए। हम खड़े हैं दीपक जी हर गलत के साथ खड़े हैं, लेकिन न्याय सबको मिलना चाहिए। और कहीं भी 250 के आसपास हिंदू गिरफ्तार हुए इन दंगों के लिए, ज़ेबा खान 250 से ज्यादा हिंदू गिरफ्तार हुए इन दंगों के लिए। संगीत राय की एक छोटा सा जवाब, उसके बाद में बहस को खोलूंगा। मौलाना साजिद रशीदी को सुधांशु त्रिवेदी जी से बात करनी है। ज़ेबा आपने कंप्लीट कर ली अपनी बात, आपने बोल दिया मोहन नरसिंह का नाम, पूरे देश ने सुन लिया। मेरे दर्शक कह रहे 95% कि दिल्ली दंगे प्लानिंग थे। संगीत रागी जी बताइए, दिल्ली दंगे प्लानिंग थे कि नहीं थे? देखिए देखिए, जिस प्रकार से असले पकड़े गए हैं, ताहिर हुसैन के घर पे पकड़े गए हैं, जितने जितने लीटर पेट्रोल, असले पत्थर, ये एक दिन की नहीं है और ये एक पैटर्न है। आपने देखा होगा कि शाहीन बाग जैसा आंदोलन किन जगहों पर हुआ, वो मुस्लिम बहुल इलाके में हुए। तीसरी बात, जो दंगे की पृष्ठभूमि है और जो जहां पर दंगे हुए, वे मूलतः चाहे वो गोकुलपुरी का इलाका हो, वो ब्रह्मपुरी का इलाका हो, ये सारे इलाके वो इलाके हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं। दूसरी बात, निश्चित तौर पे हिंदू भी पकड़े गए होंगे, लेकिन उनको आरएसएस से जोड़ देना है अपने आप में गलत बात है। दूसरी बात, और हिंदू प्रतिक्रिया क्यों नहीं करेगा? देखिए, ये पैटर्न, दंगे करने का पैटर्न सिर्फ यहां नहीं है, मुसलमानों का ये दंगे करने का पैटर्न यदि आप जाएंगे तो फ्रांस में भी मिल जाएगा, रशिया में भी मिल जाएगा, बाकी अन्य देशों में भी मिल जाएगा। और ये करते क्या है, इनका विक्टिमहुड का कॉन्सेप्ट बड़ा निराला है। वो कहेंगे कि हमारे साथ ज्यादाती हो गई है। दुनिया में आप एक अकेला इस्लाम धर्म है, अकेला, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो धर्म के नाम पर टेररिज्म पैदा करता है, जो अपने धर्म के प्रचार के लिए टेरर का सहारा लेता हो, टेररिज्म का सहारा लेता हो। दुनिया में और कोई ऐसा धर्म नहीं है जो, और ये कहां से आती है, ये कुरान की आयतों से ही आती है। ठीक है, मैं संगीत रागी जी यही रोकूंगा, सीधे जाऊंगा मौलाना साजिद रशीदी जी। मौलाना साजिद रशीदी जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए जो सुधांशु भाई ने पूछा था। और अब आप दोनों की ही बहस है, अब आप दोनों की बहस है, मैं किसी और को बीच में नहीं लाऊंगा, दोनों निपट लेना अपने हिसाब से। ज़ेबा थोड़ा खामोश, ज़ेबा खामोश, आपने अपने टर्न पे बोला था। मौलाना साजिद रशीदी जी, मुझे बताइए आप लोग विरोध क्यों नहीं करते जब लश्करे तैयबा नाम रख लिया जाता है जैशे मोहम्मद के खिलाफ? मौलाना साजिद रशीदी ने आज तक फतवा क्यों नहीं निकाला? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्रॉफिट मोहम्मद का क्या काम? जैशे मोहम्मद क्या काम, बताइए ना। मैं जवाब दे दूं? पूछ क्यों रहा, जवाब ही मांग रहा हूं भाई। ये जितने भी संगठन है, सुनिए, ये जितने भी संगठन हैं तमाम के तमाम आतंकवादी संगठन हैं। इस्लाम से इनका कोई लेना देना नहीं है। अरे तो खड़े होना चाहिए ना हिंदुस्तान के मुसलमानों को, इतने बड़े बड़े आप इस्लाम के लिए खड़े हो जाते हैं, खड़े होना चाहिए आप जैसे मौलवियों को। अरे सुन लीजिए ना यार, लिख लिया प्रॉफिट मोहम्मद का नाम क्यों लिख लिया, बताइए ना। अब आपको जवाब भी हजम नहीं हो रहा है। अरे सुन लीजिए ना, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, जवाब लगता हो सईद वगैरह, ये सारे संगठन दुनिया जानती है, ये सारे कुछ नया बोलिए, आप लोग खड़े क्यों होते हैं? ये सारे आतंकवादी हैं, इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। और सुनिए, नया बोलता हूँ, नाम आपने सुना है? इस्लाम एक ऐसा मजहब है, छोड़िए सर, आपका नंबर आएगा, सुनिए सर, सुनिए आपका नंबर आएगा। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो पूरी दुनिया में अमन और शांति का पैगाम देता है, और मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे फख्र है कि मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ। मुझे फख्र है, मुझे फख्र है कि मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ। इस्लाम अमन का मजहब है। संगीत रागी जी और इन जैसे हजारों लोग, लाखों लोग इस्लाम को बदनाम करते रहे, इस्लाम बुरा मजहब नहीं है, इस्लाम हमेशा अमन और शांति की बात करता है। सिमी क्या था, सिमी क्या था, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया? सर, जो भी मुसलमान सुनिए, जो भी मुसलमान इस्लाम के बताए हुए तरीके पर चलेगा वो मुसलमान है, जो उसके तरीके पर नहीं चलेगा वो आतंकवादी है।
मैं खुले लफ्जों में कह रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा फिर दोबारा कह देता हूँ। आप कहाँ पर ये जितने भी लोग हैं आपको याद होगा सुधांशु त्रिवेदी की सरकार ही मौलाना अजहर मसूद को छोड़कर आई थी, वो भी आतंकवादी था। मौलाना मसूद अजहर को छोड़कर आई थी, सुधांशु त्रिवेदी की सरकार ही छोड़कर आई थी जो आतंकवादी था, और जिसने बाद में भी सुधांशु त्रिवेदी ऑडियो देखिए मसूद अजहर को आतंकवादी हमारी सरकार में घोषित कराया मौलाना का। अब जो कुछ बात हुई सुबह बोला दोनों की आपस में जोड़कर एक बात कहता हूँ, सुबही खान ने एक प्रकार के मुसलमान उन्होंने नाम गिनाए, मैं दूसरे प्रकार के मुसलमानों का नाम गिना। देश के लिए शहीद होने वाला आर्मी का पहले गैन एंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद, देश के लिए पहली शहनाई बजाने वाले उस्ताद बिस्मिल्ला खान, दुनिया में आलम इस्लाम में सबसे बड़े साइंटिस्ट और भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम, और हिंदी के महान कवि अब्दुल रहीम खान खाना, हिंदी के महान कवि मलिक मोहम्मद जायसी, महान कृष्ण भक्त कवि शेख इब्राहिम रखान, गंगा जमनी तहजीब जहां से शुरू हुई उसके लिए कहने वाले जिसने मंजुमल हरीम लिखा दारा चिको, मैं चुनौती टाइम बातों कौन गया डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में, कौन गया अब्दुल हमीद की शहादत की 85 वर्षगांठ पे 2015 में, मगर अफजल गुरु हालात का मारा, इशरत जहां बिहार की बेटी, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग, हाफिज साहब, जाकिर शांति का मसीहा, हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है दीपक जी, ये एक इंतहा पसंदी सोच है। अब जो संगीत रागी जी ने कहा मैं उसकी तरफ कहता हूं, चलो शोएब जमाई को लगता है कि आरएसएस ने भड़काया, इसने किया, इनकी सोच अपनी जगह, हमारी सोच अपनी जगह, मगर ये बताइए ये दामले रहमत की सरजमीन पाकिस्तान में जो आपस में एक दूसरे काट रहे हो, आरएसएस कटवा रहा है, और वो पाकिस्तान जिसकी कदमबोसी कर रहा है, जो भगवान को नहीं मानते वो कम्युनिस्टों से सीकांग में लड़ाई होगी आरएसएस की वजह से, बर्मा में बुद्धिस्टों से लड़ाई आरएसएस की वजह से, श्रीलंका में लड़ाई आरएसएस की वजह से, चेचेनिया में रूसियों से लड़ाई आरएसएस की वजह से, गाजा में यहूदियों से लड़ाई आरएसएस की वजह से, बोस्निया हर्जेगोविना में सर्बों से लड़ाई आरएसएस की वजह से, सोमालिया और इथोपिया में अफ्रीकियों से लड़ाई आरएसएस की वजह से, बेल्जियम नीदरलैंड लक्जमबर्ग से लेके लंदन मैड्रिड ब्रिस्बेन में बम विस्फोट आरएसएस की वजह से, सिडनी में आरएसएस की वजह से, काबुल में धमाके आरएसएस की वजह से, ढाका के मॉल में मारा गया आरएसएस की वजह से, 9/11 आरएसएस की वजह से, इस सब आरएसएस की वजह से दुनिया में कहीं भी दूसरी पार्टी जो भी हो सबसे बड़ी पार्टी लड़ने को तैयार, दुम दुम धड़म धड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया रे। अरे भैया इस लड़ने वाली मानसिकता से लड़िए, अगर आपके मजहब में आ गई है मौलाना साहब तो इलाज आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इसी नोट पर, इसी नोट पर इस सवाल को दोबारा सुन लीजिए, मेरा आप भी मानना है, संगीता मेरे आखिरी दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनको लूंगा, सोशल वर्कर है फरीदाबाद से, संगीता जी आपने भी बड़ा झेला होगा शाहीनबाग का प्रदर्शन, क्योंकि सबसे ज्यादा रस्ते अगर रुकते थे तो फरीदाबाद के रुकते थे, आपको भी लगा कि शाहीनबाग ने दिल्ली दंगे कराए, क्योंकि हम तो लगातार ये कहते रहे कि शाहीनबाग एक दिन दंगे करवाएगा और उसने करवाए, आपको क्या लगता है? जी पहले तो न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी दंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मैं एक शिक्षिका हूँ तो मैं मानती हूँ कि 10 या 15 मिनट के होते हैं, इससे ज़्यादा दंगा जो होता है वो आयोजित या प्रायोजित किया जाता है, और दिल्ली में दंगा तब हुआ जब शाहीन बाग में हालात सुधर रहे थे, तो ऐसे में कोई नहीं चाहता कि सौहार्द बिगड़े, ठीक है ना जी। और कुछ लोगों के अनुसार, आप लोगों को याद होगा उस समय राष्ट्रपति ट्रंप जी जो भारत आए थे तो भारत की छवि खराब करने के लिए भी दंगे प्रायोजित किए गए थे, और दिल्ली ने उस समय पुलिस ने बताया था कि अंकित शर्मा को जब मारा गया तो ठीक है। आपके लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं संगीता जी, अफसोस आपको काटना पड़ रहा है, पर उनका भी ये मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के वक्त पर जानबूझकर हुई ये एक साजिश थी। बहुत मौके मिलेंगे शोएब भाई, बहुत सारी चीजें हैं बात करने को, अभी मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ट्रायल होगा फिर कन्विक्शन होगा, बहुत दूर तक जाना है। सुधांशु भाई भी यही रहेंगे, संगीत भाई रागी जी भी यही रहेंगे, मौलाना साहब भी यही रहेंगे, सुबी भी यही रहेंगी और जेबा भी यही रहेंगे, लेकिन चलते चलते मैं इतना कहना चाहता हूं, चैन से सोना है अगर हमें तो जागना पड़ेगा। हमारी इस खास बहस में आज के लिए इतना ही।